हाय फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ घर पे मेरी मायका में। आज उसके ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। चलिए और एक बार लास्ट किसी के हाथ से ब्रेड बना लेते हैं। और टाइम नहीं है, मैं दीदी के घर से आई, आने के बाद थोड़ा सा ही मैं रात को ही बस शाम को पहले आई थी कल, फिर देवरानी से कब बनाऊँ, रात को तो नहीं बना सकते, खाना खा के सभी लोग सो गए। फिर सुबह होते अपना अपना काम है सबका, तो मैं उनसे ब्रेड नहीं बना सकती। फिर मैं खाना खा के दोपहर को खाना खा के इधर चली आई, तो मौका नहीं मिला देवरानी से बनाने की, तो मैं मम्मी से ही बना रही हूँ तो ब्रेड। तो फ्रेंड्स, मैंने मम्मी से ब्रेड बनाया, तो अभी मैं मम्मी को ऑयलिंग करा दूंगी। फिर मम्मी मेरे को अगर पॉसिबल हो तो मम्मी मेरे को करा देंगे, लेकिन शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो पता नहीं क्या होता है। फिर चलिए कोशिश कर लेते हैं। तो ट्विन ब्रेड से और क्या व्लॉग बनाऊँ, अभी बारिश हुआ है, चारों तरफ पानी ही पानी है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती। तो चलिए यहाँ पे ही ऑयलिंग व्लॉग कर लेते हैं। तो मैंने इसको ओपन किया, तो बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किए हैं कि एक दूसरे को ऑयलिंग कीजिए, ग्रुप ऑयलिंग करने के लिए बोल रहे थे हम लोग, तो इसलिए दीदी को नहीं मिला मेरे को। जब मैं दीदी के पास थी तब मम्मी नहीं थे, और अभी मम्मी है तो दीदी नहीं है, तो चलिए हम दो एक दूसरे को ही करा देते हैं। तो इस तरह से मैं फुल पूरा स्कल्प में ऑयल को अप्लाई कर लूंगी अच्छे से। और इस तरह से फिंगर टिप्स की मदद से मसाज भी करते जाऊंगी ताकि ऑयल अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। यहाँ पे मैं 100 ml की बटर ली हूँ। রাখো রাখো, মামা আসতেছে, রাখো মামা আসতেছে, ওই দিকে
তোমার জন্য ছাতা যদি হাতাও তাহলে দেবে না চপল চপল ছাতাটা কি হলো ডগিটা ডগিটা দিয়ে খেলবো ছাতা দিয়ে খেলাম तो यहाँ पे मेरी 100 ml ऑयल ख़त्म हो गया है एक बॉटल और ये मेरे लिए है और ये ख़त्म हो गया अभी मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती हूँ तो इसलिए अभी से मैं कॉम्बिंग कर लेती हूँ और ज़्यादा मसाज में नहीं करूँगी मसाज के लिए बहुत सारे वीडियोस में अपलोड करके रखी हैवी ऑयलिंग के साथ तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हो आई होप कि वो वीडियो भी आपको अच्छा लगेगी और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मैं ऐसा वीडियो और लाती रहती हूँ और बहुत सारे हैवी ऑयलिंग की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखी तो आप लोग प्लीज़ वो भी चेक कर लीजिएगा आप हैवी ऑयलिंग के फैन हो तो क्योंकि मेरे सारे व्यूअर्स को बहुत पसंद है हैवी ऑयलिंग वीडियो देखना तो आई होप कि आपको भी अच्छी लगेगी आज मैं मेरी मम्मी के हेयर पे आज मैं बनाने वाली हूँ कॉर्नरॉ ब्रेड क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किए थे कि कॉर्नरॉ ब्रेड मम्मी के हेयर पे बनाइए तो इसलिए मैं आज एक ही साथ वो भी बना देती हूँ बनाकर दिखाती हूँ कॉर्नरॉ ब्रेड के लिए हम जैसे ब्रेड बनाते हैं नॉर्मली
उसी तरफ उस तरह ही बनाना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं दिखा देती हूँ। जैसे हम नॉर्मली ब्रेड बनाते हैं समय तीन पार्ट में इस तरह से डिवाइड करते हैं, थ्री पार्ट से उसी तरह डिवाइड करना है। फिर हम इस तरह से क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे ले लेते हैं और ऐसे हम थ्री पार्ट को ले लेते हैं, फिर हम ऐसे इसके ऊपर देते हैं, फिर इसको इसके ऊपर देते है ना। तो कॉर्नरो ब्रेड उल्टा है, इसको हम नीचे की तरफ देंगे इस तरह से ऐसे ले लेंगे। फिर इस ये जो पार्ट है इसको भी नीचे से ही हम लेंगे, बस नॉर्मल ब्रेड की तरह ही है, बस इसको नीचे की तरफ देना है। फिर हम इसको जैसे कि हम फ्रेंच ब्रेड बनाते हैं ऐसे ले लेंगे इस साइड से, कुछ हेयर के साथ ऐड करेंगे मेन पार्ट को, फिर नीचे की तरफ से ले लेंगे, फिर इसके साथ थोड़ा सा हेयर इस तरफ से मिलाएंगे जैसे हम फ्रेंच ब्रेड बनाते हैं। लेने के बाद इसको हम ऐसे ऊपर से नहीं, इसको नीचे से ले लेंगे। तो कॉर्नरो ब्रेड बहुत सारे तरीके से बनाते हैं लोग, बहुत सारे ब्रेड बनाते हैं एक ही सर पे, लेकिन मम्मी को मैं ऐसे नहीं बना दूंगी, मैं ऐसे ही एक ही ब्रेड बनाती हूँ। तो ये है कॉर्न रॉप ब्रेड, मम्मी के सर पे मैंने बना दिया, एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किए थे तो इसलिए। तो 100 ml ऑयल मैंने इन पे अप्लाई कर दिया उनके हाथ पे। तो अभी मम्मी मेरे को ऑयलिंग करा देंगे। उनको थकते हो ना, हाँ ठीक है। या यहाँ पे 100 ml ऑयल है, ठीक
বাকি তেল লাগে লো দে আবু বলে ও না 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 কি করব পরে ছোট কিচ্ছু করে নেই কিচ্ছু করে নেই তেল খালে ঠিক করে পড়বা
পড়বো তো পরে পরে পড়ি যাবো আয়নাটা ভাঙবে तो गाइस अभी खत्म हो गया है 100 एवर पानी के नीचे तो खिल खिल गया अंदर तो पीछे का खिल खिल था ना खिल गया टांट नहीं रखता हूँ बेनी टांट नहीं खा खाओ खाने के हम बोल रहे हैं खिल गया ना उसके खिल खिल गया ओ इनको खेले दिला तेरा तो चौंध जरे खुल गयी देखो मुझे खेले दिला कुताई সারা ঘুমি দেখছি না সারে জিগা অয়েল সে অয়েল ভর গয়া অয়েল হি অয়েল হো গয়া चुकी है अच्छी से तेल वो एक बार दुनिया है ये लोग मैंने तो दिल्ली को बात की इसको अभी ओवर नाइट रखूँगी कल इसको मैं सुबह वॉश करूँगी तब तक ये काफ़ी हद तक अब्जर्व हो जाएगी फिर ज़्यादा शैम्पो नहीं लगेगी तो ग्रुप हेवी ऑयलिंग हमने किया और आपकी रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट ये वीडियो मुझे रिक्वेस्ट किए थे मेरी एक फ्रेंड मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर जो भी आप कह सकते हो
और देखिए मम्मी भी किए हैं। मैंने इनके ईयर पे 100 ml अप्लाई कर दिया। पूरी तरह से इन्होंने भी भीग चुके हैं, देख सकते हो। इसको भी मैंने हीलिंग करा दिया, देख सकते हो। सभी लोग यहाँ पे ऑयली ऑयली होकर रह गई, तो आपकी रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आप लोगों से मेरी भी थोड़ा सा उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी है तो, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा और ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, ताकि मेरी हर वीडियो सब तक पहुँच जाए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बड़ा हो गया होगा वीडियो, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।